सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जांजगीर चांपा जिले के अंतिम छोर में बसे ग्राम पंचायत सेमरिया के वार्ड नंबर 6 में आज सुबह की घटना, जहां गंगा प्रसाद साहू के कच्चे मकान 3 दिनों से बारिश होने से घर ढह गया। गंगा प्रसाद साहू उम्र 45 वर्ष, जो अपने कच्चे मकान में अपने 3 बच्चों के साथ जीवन यापन कर रहा था। गंगा प्रसाद साहू के द्वारा पिछले सरपंच को बोला था कि प्रधानमंत्री आवास के लिए, परंतु आज तक उसे प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल सका। मजबूरी व गरीबी में अपने 3 बच्चों के साथ कच्चे के जर्जर मकान पर जीवन यापन कर रहा था। वहीं गंगा प्रसाद साहू हर दिन की तरह कच्चे मकान में था, मगर पता नहीं था कि आज जर्जर हो चुके कच्चा मकान ढह जाएगा। जबकि पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश होने की वजह से कच्चे मकान ढह जाने से परिवार एक ही रूम में रह रहे हैं। इस हादसे में गंगा प्रसाद साहू के परिवार बार बार बचा। ये घर कैसे टूट गया भाई? ये 3 दिन का अभी बारिश है, इसी में सर पूरा पानी गिरी से तो इन भसक के बैठ गई सब है। तो मैं ग्राम सेमरिया से गंगा प्रसाद साहू वार्ड नंबर 6 के रहने वाला, कच्चा के मकान में रही था मैं और मोर 3 झलोक लेकर है, और जो है अभी गुजर बसरी में चला तरी से माटी के है देखा था आप मन, या अभी 3 दिन के बारिश जो है से वो मैं एक तरफा है साइड ले पूरा बैठ गई सब है। और शासन प्रशासन से मैं चाहता था कि कुछ मोला मदद मिल जाती, आवास आए है कि कथे कहे जा, सरपंच मन ला कहें, पिछला सरपंच ला भी कहें तो आ है बस कही चाह, अभी तक कोई गुंज ऐसे नहीं रिसे देख, खुद देखा था वा कही देवा, तो अभी सरपंच ला पूछे हाँ तो आ है कि वहू बता थे, परंतु आ है कि नहीं आए हैं भगवान जाने की दा। अब एकर मैं वही चाह था कि कैसनों भी करके मोर समस्या हल हो जातीस, गरीब आदमी बनी भूती करके खाथन कही दे, खेती बाड़ी तक नहीं है मोर, जो भी है घर हर है। तो शासन प्रशासन और अपन सरपंच से निवेदन करा था मैं कि मुला कुछ एकर लिए राहत काल होती से ऐसे के घर द्वार लोग लेकर सब है किधर।